जुलाई क्लास फोर्थ EVS में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है आर एनिमल फ्रेंड्स जो पेज नंबर 31 पे है। आप लोग अपना अपना बुक निकालो सामने। इस चैप्टर का नाम है आर एनिमल फ्रेंड्स। क्या है आर एनिमल फ्रेंड्स? एनिमल क्या होता है? जानवर। एनिमल्स क्या होता है? जानवर। आज हम कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स इन ग्रुप। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स इन ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या है? वी लिव विद आवर फैमिलीज। हम किसके साथ रहते हैं? फैमिलीज में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं हम, है ना। हम में से कोई जो है अकेला नहीं रहते हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहते हैं। वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स, और हम क्या करते हैं? अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। आप लोग खेलते हो ना अपने दोस्तों के साथ? हाँ, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। हमें अलग अलग लोगों के साथ नए दोस्त बनाना जो है बहुत ही अच्छा लगता है ना। हमें चाहे स्कूल में हो या घर में हो, कभी भी अकेला रहना जो है हमें पसंद नहीं आते। इसी तरह से जानवर भी हमारे तरफ जो है ग्रुप में रहते हैं, यानी कि अपना फ्रेंड्स बनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, ठीक है। और उनके जो ग्रुप का जो है स्पेशल अलग अलग डिफरेंट नेम्स होता है, यानी कि नाम होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि जो इंसेक्ट्स का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं कॉलोनीज। क्या कहते हैं? कॉलोनीज। आप देख रहे हो इंसेक्ट जो है वो ग्रुप में बैठे हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं? इस उनके ग्रुप का नाम होता है कॉलोनीज। क्या होता है? कॉलोनीज होता है। उसी तरह से फिश होता है, ठीक है, यानी कि मछली फिश होता है, उनका उनके ग्रुप को कहते हैं शॉल, ठीक है। इस तरह से वो लोग ग्रुप में रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो लाइन होते हैं वो भी ग्रुप में रहते हैं, और उनके ग्रुप को कहते हैं प्राइड। क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं, ठीक है। जो डॉल्फिन्स होते हैं, कौन होते हैं? जो डॉल्फिन्स होते हैं वो भी ग्रुप में रहते हैं, और उसके ग्रुप को कहते हैं स्कूल। क्या कहते हैं? स्कूल, ठीक है। स्कूल जो है वैसा ही नाम है जिस जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं, स्कूल, है ना। जो बीज होते हैं, जो बीज होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं स्वार्म्स। क्या कहते हैं? स्वार्म्स कहते हैं। समझ में आया? और ये जो है अलग अलग ग्रुप का नाम है, जैसे कि इंसेक्ट का है कॉलोनीज, इंसेक्ट का क्या है? कॉलोनीज है। फिश का है शॉल। डॉल्फिन्स का क्या है? स्कूल, है ना। लायंस का क्या है? प्राइड, है ना। और जो बीज के जो ग्रुप को कहते हैं स्वार्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्म्स कहते हैं। उसी तरह से होता है ग्रुप लीडर। कौन होता है? क्या होता है? ग्रुप लीडर। ग्रुप लीडर जो ग्रुप होता है एनिमल्स का, जो जानवर का जो ग्रुप होता है, उसमें एक लीडर भी होता है। क्या होता है? लीडर भी होता है, यानी कि उनका हेड होता है। जैसे कि आपके क्लास में आप मॉनिटर होता है, आपका हेड बॉय होता है, हेड गर्ल होता है ना, उसी तरह से एनिमल्स के जो ग्रुप जो है उसमें एक क्या होता है? लीडर होता है। और ये लीडर जो है क्या करता है? ये हेड जो है क्या करता है? अपने ग्रुप में रहने वाले जानवरों की रक्षा करते हैं, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? जब भी कोई खतरा हो, जब भी कोई डेंजर हो, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और लीडर जो है कभी कभी जो भी डिसीजन लेना होता है, जो भी फैसला लेना होता है, वो ग्रुप का
लीडर लेते हैं, ठीक है, कौन लेता है, ग्रुप का लीडर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बताया हुआ है, जो एलिफेंट्स जो होता है उसमें, उस ग्रुप में, एलिफेंट्स के ग्रुप में जो है सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स ही होते हैं, उसमें मेल नहीं होते हैं। और जो ओल्डेस्ट एलिफेंट्स होते हैं, जो ओल्डेस्ट एलिफेंट है वो उनका क्या होता है, ग्रुप लीडर होता है, ठीक है, ग्रुप लीडर होता है। अब जो ये ग्रुप जो है क्या करते हैं, हमेशा जहाँ पे भी जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो वो क्या करता है, ग्रुप में जाते हैं, ज़्यादातर क्या करता है, ग्रुप में जाते हैं, कभी अकेले जो है वो नहीं जाते। क्यों, व्हाई डू एनिमल्स मूव इन ग्रुप्स, क्यों जाते हैं ग्रुप में, क्यों जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि उसके बहुत सारे वजह है। क्या क्या वजह है, बाय लिविंग टुगेदर इन लार्ज नंबर्स एनिमल्स आर एबल टू गार्ड देयर टेरिटरीज फॉर फूड। ग्रुप में रहने से, फ्रेंड्स में रहने से, फ्रेंड सर्कल में रहने से वो क्या कर सकते हैं, अपने टेरिटरी को बचा के रख सकते हैं। टेरिटरी वो होता है, वो जगह होता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम बींग अटैक बाय अदर एनिमल्स। जो है ग्रुप में रहने से जब भी कोई खतरा होता है किसी दूसरे जानवर के अटैक करने का, उससे भी बचा जा सकता है, ठीक है। और ग्रुप में रहने से क्या कर सकते हैं वो लोग, अपने एग्स हो या न्यू बॉर्न बेबीज हो, छोटे बच्चे हो या उनके एग्स हो, अंडे हो, उनके भी प्रोटेक्ट, उनको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पेंगुइन्स हो गया या एंड दूसरे अदर एनिमल्स, पेंगुइन्स और दूसरे एनिमल्स जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो वो लोग ग्रुप में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको गर्मी लगते हैं, गर्म कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है, इसलिए वो लोग ज़्यादातर ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा, हाउ डू एनिमल्स बिहेव, एनिमल्स जो है किस तरह से व्यवहार करते हैं, ठीक है, हमारे साथ या दूसरे जानवरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सम एनिमल्स आर फ्रेंडली, कुछ एनिमल्स जो है फ्रेंडली होता है, वो मिलजुल के, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ, हम इंसानों के साथ फ्रेंडली रहता है, ठीक है, मिलजुल के वो रहते हैं। ह्यूमंस हैव टैम दीज फ्रेंडली एनिमल्स, इंसान ने भी बहुत सारे जानवर को पाल के भी रखते हैं, जैसे कि काव हो गया, है ना, डॉग हो गया, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे जानवर जो है क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो है, इंसान जो है उनको पाल के रखते हैं। और एक है डॉग, क्या है, डॉग जो है हम इंसान का क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, है ना। बहुत सारे लोग जो है अपने घर में डॉगीज रखते हैं, रखते हैं ना, आपके घर में है डॉगीज रखते हैं। मगर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे ही इंसान को देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, उनको ये लगता है कि ये इंसान जो है हमें नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसलिए वो लोग इंसान को देखते ही भाग जाते हैं। जैसे कि कौन हो गया, स्क्विरल हो गया, रैबिट हो गया, माइस हो गया, है ना, स्क्विरल हो गया, रैबिट हो गया, माइस हो गया, तो वो क्या करते हैं, इंसान को देखते ही क्या कर लेते हैं, वो भाग जाते हैं, उनको लगता है कि हम इंसान जो है उनको नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसलिए वो लोग भाग जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से टोटाइस हो गया, स्नेल हो गया, है ना, स्नेल हो गया, जैसे कि ये है टोटाइस है, ये है, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही इंसान को देखते हैं या उनको छूने की कोशिश करते हैं या उनको टच करते हैं, तो वो लोग
अपने शेल में, शेल हो गया ये जो होता है उनका शेल होता है, उसमें अपने आप को छुपा लेते हैं। ठीक है, अपने आप को छुपा लेते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि हेडॉग्स है, पॉर्क्यूपाइन है, तो उसमें उनके बॉडी में क्या होता है, प्रिकली होता है, ये उनका बॉडी जो है, बाल जो है प्रिकली होता है, यानी कि चुप जाने वाला। ठीक है, तो जब भी वो किसी इंसान को देखते हैं तो वो इस बॉल में अपने आप को रोल कर देते हैं। ठीक है, कुछ जानवर ऐसे भी होता है वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि कौन, टाइगर, डियर, यानी कि बियर। ठीक है, ये एनिमल्स जो हैं, ये जानवर जो हैं, शाई नेचर के होते हैं, यानी कि क्या करेंगे, जैसे ही इंसान को देखेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, भाग जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये लोग भाग जाएंगे, इंसान के सामने ये लोग नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आया। आज हम बस इतना ही करते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने बुक जो है वो निकालो और उसमें से रीड करो, जो मैंने अभी आप लोगों को ग्रुप का नाम जो बताया वो कॉपी पे लिखो, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो बुक में आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, और उसका मीनिंग भी लिखना है। समझ में आया, थैंक यू।